बेटी, इनमें कोई है? इनमें से कोई नहीं है। बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, कौन हो तुम? माफ करना मेम साहब, ये ससुरी हमार आदत है, जब हम खात हैं तो बोलत नहीं, जब हम बोलत हैं तो खात नहीं। वैसे हम पैदाइशी निशानबाज हैं, मगर क्या करें मेम साहब, आजकल खुद तकदीर का निशाना बने रहने का ठिकाना ढूंढ रहे। वैसे जौनपुर का जंगल माँ हम सिक्योरिटी गार्ड थे, मैनेजर साहब ने हमार हाथों बेईमानी करवानी चाहिए, हमें आया गुस्सा और हमने नौकरी छोड़ दी। मेम साहब, अभी नौकरी मिल जाए ना तो दुई वक्त की रोटी का चक्कर चल जाए। बजरंग बली की कसम मेम साहब, हम सब काम जानत हैं, रोटी पकाने से गाड़ी चलाने तक, खाना बनाने से झाड़ू मारने तक, कपड़ा धोने से बर्तन मांजने तक, बड़ी काम की मशीन है हम मेम साहब। खा कर दो लग जाए नौकरी पर। मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है मेम साहब। आते वक्त सलामी दी थी, इसलिए जाते वक्त भी सलामी दे रहे हैं। जयराम जी की मेम साहब। गीता, ये निशानेबाज तो तेरे काम का आदमी है, मगर ये घर में और कोनो नहीं रहते का? तुम अकेली रहत हो? अरे ये कहाँ हुई गवा तुम का मेम साहब? हाँ, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। एक पापा थे, बहुत प्यार करते थे मुझे, लेकिन कुछ शैतानों ने उन्हें मार दिया। शैतान? कौन शैतान? तुम हमका उका पता बताई दो, तस्वीर दिखाई दो, हम आज ही उका तस्वीर का ऊपर हार नहीं चढ़ाई दिए ना, तो हमरा नाम शिव शंकर कैलाशपति भोलेनाथ जौनपुरिया नहीं। हम सच कहते मेम साहब, हम दुई मिनट में उका नाम और निशान मिटाई के आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर मुझे ये बंदूक चलाना सिखा दो। अरे सिखाई देंगे मेम साहब, सिखाई देंगे, यही हमारा वादा रहा, मगर पहले हमका काम धंधे पे लगाई के अपना वादा पूरा करो। वो वादा मैंने पूरा कर दिया है बेटे। मैं आज ही तुम्हें अपने सेठ के पास ले चलूंगा, वो तुम्हारा ट्रायल लेगा, अगर तुम ट्रायल में पास हो गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। अरे चाचा, आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हम जोन जोन परीक्षा दिए हैं, परीक्षा लेने वाला मास्टर फेल हो गया, मगर हम फेल ना ही हुए। है का नाम है तुम्हारो एग्जामिनेशन लेवे वाले का? हूँ चाहू दारू वाला हूँ, छू जौनपुर वाला। ए है क्या हमारे यहाँ पर उतारता है क्या? हम बोलता है दारू वाला, तुम बोलता है जौनपुर वाला। देखो ये किटपिट मेरे को पसंद नहीं है, पहले से बोल देता ये मेरे को पसंद नहीं है। तुम गिड्डा चौपड़ी पर आया? अरे साहेब, मार्केट में जितनी भी किताबें आई ना, हम कोनो नहीं छोड़ी, सब पढ़ डाली। वो भी चश्मा लगा? अरे वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा अभी हम तुमको एक सवाल मारता है। एक काहे को साहब, तू ही मारो ना। नहीं बस, मेरे को एक जाता है, वही मैं मारूंगा। अच्छा बोलो, अक्कलबरी के भैंस। अरे साहेब,
जो भी हमका नौकरी दे देना वही बड़ा। अरे जबरदस्त फर्स्ट क्लास है तो हम तुमको नौकरी देने वाला इसलिए हम बड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बता ये ताजमहल किसने बनाया? बजरंग बली की कसम साहेब हमने तो ना ही बनाया। अरे वो तो मेरे को भी मालूम है बजरंग बली के तुम नहीं बनाया। अरे तुम सारा कर का तुम क्या बनाएगा अगर किसने तो बनाया होगा कि नहीं हम बताएं साहेब। हाँ साहेब अकबर ने बनाई रहा है क्या? फेंकम फेंकी करता है मेरा छोकरा तो बोला कि सौजन ने बनाया करी ने। वो तो बाहर की बात है सेठ हम तो अंदर की बात बतलाई रहे हैं। ताज महल अकबर ने बनाया था शाहजहां ने तो उका ऊपर सिर्फ सफेद रंग घुमाई दिया था। ओ, तो एक्स्ट्रा उसिया निकला लड़का है। ये जोयो के जूली कितना उसिया लड़का है हा? अंदर का सब छुपेला सीक्रेट बात भी हमको बता दिया। हाँ मेरी ऊपर इतना विश्वास किया। अरे वाह वाह शाबाश शाबाश सेठ इसका मतलब हमारी नौकरी पक्की? हाँ पक्की पक्की। सेठ सेठ हम कल से काम पे आ जाए? कल से काम पे आ जाए? देखो हम बेवकूफ होता है उल्लू होता है खिसकेला होता है स्क्रू ढीला होता है मगर अंदर की बात बताऊं जब टाइम आता है ना तब हम सबका ऊपर नीचे का नट बोल ढीला करके रफू चक्कर हो जाता है। ए, तू क्या मेरे को संजय लगाने को आया क्या? अरे मैं अक्सर बम्बई का सैंडी कार के इधर बैठा हूँ समझा। सारा तेरा सर का लड़का को मैं नौकरी रखे क्या मेरा बराबर जाने का है क्या? हा? अरे तू तो दादा इधर अंदर का बात सब बाहर करके मेरे को भी अंदर कर देगा और मेरे को भी सभासद कर देगा। चल फोन जयराम जी की सेठ। अरे इधर 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 देख मैं तेरे को एक आइडिया बताता हूँ तू जाके पुलिस में भर्ती हो जा वहां तेरा सब बात हजम हो जाएगा समझा। चल फोन सारा पुलिस में भर्ती होकर पुलिस वालों का भी 12 बजा देगा वो। अरे का हुई गवा? मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती। अरे हम पे नहीं बाबा हमरी इस 2 इंची की चिरुटवा पर। चलो घबराओ मत। राम राम मेम साहब। राम राम जौनपुरिया जी क्या बात है कहीं जा रहे हो? खैरियत तो है ना? इस ससुरी खैरियत ही तो नहीं है मेम साहब। क्यों क्या हुआ? मेम साहब हमार दिल का डिपार्टमेंट में बड़ा जोरों का गड़बड़ चलत रहा। दिल में गड़बड़? मेम साहब हमार दिल हमार बस में नहीं। अच्छा हमार समझ में नहीं आवत है कभी फुदक कर यहाँ चल जाते तो कभी फुदक कर वहां चल जाते यहां से वहां वहां से यहां। कसम बजरंग बली की मेम साहब रात भर इस ससुरे दिल के चक्कर में हम फंसे रहे कंबख्त ने सोना ही नहीं दिया। मेम साहब रात भर हमार दिल धक 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 वाटर पंप की तरह चलत रहा। अच्छा रात भर तुम्हारा दिल वाटर पंप की तरह धक 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 चलत रहा क्यों क्या हुआ तुम्हारे दिल को? वो हम नहीं जाना थे मेम साहब मगर हुई कुछ जरूर गवाह है। हमका लागत है हमका इसक हुई गवाह है मेम साहब। इसक किससे? ई पहाड़न मा। ई पहाड़न मा? ई वादियन मा। ई वादियन मा? ई नदियन मा। ई नदियन मा? ई झरनन मा। ई झरनन मा। ई फूलन मा। ई फूलन मा।
हमार दिल कहत है, हमार दिल कहत है, हमका 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 इसक हुई गवाह है, हमका इसक हुई गवाह तुमसे, तुमसे सच सच